नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड जिले के कलेक्टर पर चुनाव में भाजपा का एजेंट बनकर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। नतीजों से पहले सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड के निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव पर मतदान के दिन भाजपा को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज की है और मतगणना से संजीव श्रीवास्तव को दूर रखने की अपील की है। गोविंद सिंह ने कहा कि संजीव बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मतगणना के वक्त भी निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए उसे मतगणना से दूर रखा जाए। चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमारे लगभग 600 शासकीय कर्मचारी मतदाताओं के मतपत्र से बचे। इसके साथ ही साथ हमने चुनाव आयुक्त थे, उससे अनुरोध किया है कि मतगणना होगी 3 दिसंबर उस दिन कलेक्टर मतदान मतगणना में गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम करते रहे। उनकी जो गतिविधियाँ रही वो शासकीय उसके विरुद्ध है। मतदान में गड़बड़ी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद कर सकती है। हमने मांग की है कि संजीव श्रीवास्तव भिंड के निर्वाचन अधिकारी रहते काउंटे के दिन निष्पक्ष मतगणना नहीं हो सकती, इसलिए उनको हटाया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।